me do my two-step. यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया ही होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हम जा रहे हैं गैरेज पे, क्योंकि एक पार्सल आया है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, टॉप रैक का माउंट, या टॉप रैक बोलते हैं शायद उसको, तो वो आया है। कल आया था और मैं कल पीछे का जो ग्रैब रेल है वो दोनों खोल दिया था, और खोल के ट्राई कर रहा था लगाने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम था उसमें। अपना जो डोमिनर यूजी 2019 और 2020 में जो है अपना बंजी कॉर्ड लगाने के लिए एक चार हुक आता है उसमें, मतलब कपड़े का ही है लेकिन उसमें चार हुक आता है। तो उसमें से जो दो हुक है वो पीछे के ग्रैब रेल में लगा हुआ है, और उसको निकालने के लिए मेरे को चाहिए था एक एलन की। साइज़ शायद उसका 3 होगा, एलन की का 3 या फिर 4 होगा। तो वो एक्चुअली मेरे पास था नहीं, इसलिए मेरे को खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ गैरेज पे, और उधर पे ही जाके, मतलब वो दोनों ग्रैब रेल तो खुला हुआ ही है, बस उसमें से वो दोनों हुक निकालना है। हुक निकाल के डायरेक्ट लगा देंगे उसको, बस ये एक छोटा सा काम है। अगले बार से मेरे को ख़रीद के रखना पड़ेगा एलन की का पूरा सेट, क्योंकि कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें नहीं रहता है। तो अभी सीधा चल के मिलते हैं गैरेज पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट होने वाला है, तो सीधा चल के गैरेज पे मिलते हैं। तो ये जो पुराना वाला नट है ये इसमें नहीं लगेगा, मतलब जो कंपनी से आता है, तो उसके लिए आपको ये चार नट लेना पड़ेगा अलग अलग, और ये रबर भी खोलना पड़ेगा पीछे से, सीट के नीचे लगा देता है, क्योंकि ये नहीं खोलेंगे तो फिर लगेगा नहीं ठीक से। जब लग चुका है बस सीट लगाना है, और लगा के अच्छे से जगह पर जाकर वीडियो बनाते हैं। तो ये बैक रेस्ट लग चुका है अब, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा इस साइड में होके, लेकिन चलता है। बस बैग लगाना है, कौन देख रहा है इतना। तो ये है इसका फाइनल लुक, तो ऐसा दिख रहा है पूरा बाइक। इस प्राइस रेंज में तो ठीक ही है, 429 का है बस।
और यहाँ पे दो हुक भी दिया हुआ है रोप लगाने के लिए। और ये वाला नंबर प्लेट का कवर आया था, यहाँ से खुल गया। थोड़ा सा इसमें गैप है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है। और पीछे वाला तो वही नॉर्मल है जैसे था पहले। ये वाला पीछे वाला चेंज करने के लिए इसको ड्रिल करके निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी किया नहीं है। और इसमें थोड़ा स्प्रे मारने के टाइम यहाँ पे भी कुछ स्प्रे गिर गया है, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।